होली त्यौहार के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने मंगलवार को राप्ती नगर तथा बेतिया हाता स्थित मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। इसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि होली पर्व के मद्देनजर आम जनता को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनपद में जो भी खाद्य पदार्थ की दुकानें हैं, जैसे कि मिठाई, खोआ, पनीर की चेकिंग की जा रही है, जिसके तहत राप्ती नगर स्थित मिठाइयों की दुकानों पर चेकिंग की गई है तथा उनके मानक को चेक किया गया है तथा सामानों की भी जाँच की गई है, उसके नमूने लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बेतिया हाता में भी एक दुकान पर चेकिंग कर नमूने लिए गए। वहाँ पर मिठाई की बिक्री में घटतौली की शिकायत प्राप्त हो रही थी। उन्होंने कहा कि 1 किलो मिठाई में 100 ग्राम कम दिया जा रहा था, जिसका मौके पर पहुंचकर जांच किया गया और जांच में शिकायत सही पाई गई। उन्होंने कहा कि सभी मिठाइयों के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं, रिजल्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि सामान खरीदते समय जांच कर लें कि किसी तरह की मिलावट तो नहीं है, अगर शिकायत है तो सूचना प्रशासन को अवगत कराएं, प्रशासन मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, नीचे जो है ये फ्रोजन मटर होगा, थोड़ा निकालिए उसको सुशील जी। क्या है ये लस्सी बनाने के लिए हुआ सर? बताओ इसको तोड़ो जरा, पानी नहीं उससे वो होगा, किसी से पानी करा दो
भाई तो बहुत अच्छी है। क्या क्या बनाते हो भाई? इधर इधर है सर, इधर नहीं सर, ग्लास फाइबर है। अरे खुला नहीं है क्या उधर? खुला पहले देख लीजिए, उसके बाद कितने का होना ठीक है। ये कहाँ का कराते हैं? मिल्क पाउडर, दूध, इन सब चीजों से बनाते हैं। हाँ, सभी स्टैंडर्ड आया था सही में, अभी जो मतलब कितना दिन हो जी जी इन सबको भी ले लीजिए। ये भी सभी स्टैंडर्ड ही होगा मेरे हिसाब से, सभी स्टैंडर्ड ही आएगा सर। हैं ठीक हो, ये लोग सुधरते नहीं है, क्या दिक्कत है? ठीक हो, मतलब ये लोग क्यों नहीं इतना सुधार करते हैं? जो खबर जो वहाँ कितने लगा थे बनाते हैं ये केवल कौन सा देखें मिल्क का इस्तेमाल करते हैं जी। एक्चुअल में ये जो है मिल्क केक नाम से बेचते हैं सर जो है, और मिल्क की मात्रा टोटल गेहूं तो कोई रख ही सकता है, गेहूं के लिए थोड़ा मना कर सकते हैं। पिसवाएंगे आटा ले जाएंगे हम। तेल का तरीका ये है सर कि टीन में से निकाल के होगा, फिर तेल का पूरा डिटेल टीन का हो सकता है। खोया मंडी में इनकी दुकान है जो है, ये भी हो रही बहुत बड़ी मंडी में है। इतने ब्रांड आ गए हैं सर की अपन खुद ही याद नहीं रहता। ये क्या है इसमें क्या भैया? इनको जरा मालिक को बुला लो, सारी बात वही बता पाएंगे। भगवान दास को बुलाओ जरा, सुनू ही तो इसका नमूना लेना पड़ेगा तभी पता चलेगा। नहीं इसका लीजिए मेरे हिसाब से, इसका ले आइए बैग वाली निकाल लीजिए। इसका कोई स्टैंडर्ड होता होगा ना, कैसा डाल सकते हैं कैसा कर सकते हैं? नहीं सर, प्रोप्राइटरी फूड का कोई स्टैंडर्ड अपने हिसाब से सब डालते हैं, इसीलिए 30 दिन रुकता है। दूध बर्फी का ही होगा तो सर जो भी होगा वो आएगा। ये ब्रांडेड है? किस ब्रांड का है ये? हम लोग डायरेक्ट मंगाते हैं ना बड़े पापा कैसे से आई लिखा हुआ है इस पे जी, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ से मंगाते हैं ये? बड़े पीसेस रखो तो कोई इसको अटा कोई भी और रखो तो किसी को जो जो आपको
देखिए जनपद में जो भी खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं, जो भी मिठाइयाँ की दुकानें हैं या और भी जो दुकानें हैं, तो जो पनीर है और खोआ है, इन सबकी रैंडम चेकिंग की जा रही है। तो उसी क्रम में राप्ती नगर स्थित 2 से 3 प्रतिष्ठानों की चेकिंग की गई और ये देखा गया कि जो उनके द्वारा बिक्री की जा रही है वो मानक के अनुरूप की जा रही है कि नहीं, उनका कोई सामान खराब क्वालिटी का तो नहीं है। तो पहले तो इसकी जाँच की गई, उसके बाद बेतियाता स्थित मिठाई दुकान पर भी जाँच की गई है और सब जगह सैंपल लिए गए हैं। कई जगह घटतौली की भी शिकायत आई है कि जो 1 किलो के डिब्बे में करीब 100 ग्राम कम मिठाई दे रहे हैं, तो ये भी एक गंभीर शिकायत है। तो इसी के लिए संयुक्त टीम हमारी, जो भी हमारी खाद्य विभाग की टीम है, हमारी बाट माप की टीम है और प्रशासन की संयुक्त छापेमारी है। और मूल रूप से हम लोग ये देख रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह से जनता को ऐसा कोई भी खाने का सामान ना दे जिससे उनके सेहत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो इसी क्रम में छापेमारी की गई और आगे भी छापेमारी की जाती रहेगी। और सभी दुकानदारों से मैं पुनः ये अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से खराब स्टैंडर्ड का, खराब क्वालिटी का कोई भी मिठाई, खोआ, पनीर या कोई भी खाने का सामान ना बेचें। यदि आप पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ बहुत ही गंभीर कार्रवाई की जाएगी। और जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि त्यौहारों का समय आ गया है और आप लोग अक्सर मिठाई लेने, खोआ निकलने लेने, पनीर लेने, सब घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो एक बार स्वयं उसकी जाँच जरूर कर लें। अगर आपको प्रथम दृष्टया कोई भी सामान खराब दिखता है, प्रतीत होता है, तो आप तत्काल प्रशासन को सूचित करें, फूड विभाग को सूचित करें, तो हम लोग उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे।